नमस्कार, मैं संदीप वर्मा और आप लोग देख रहे हैं फिल्मी गपशप। लोगों के अपने अपने शौक हैं। कुछ लोग जाते हैं फिल्म की स्टोरी को देखने, कुछ लोग जाते हैं फिल्म के गानों को देखने, कुछ लोग जाते हैं फिल्म के एक्टर को देखने और कुछ लोग जाते हैं फिल्म के डायलॉग्स को देखने। मैं भी उन लोगों में से एक हूँ जो फिल्म के डायलॉग्स को देखने जाता हूँ। सिर्फ डायलॉग्स को ही नहीं देखने जाता हूँ, लेकिन हाँ, अगर मुझे पता चल गया कि इस फिल्म में डायलॉग्स बड़े अच्छे हैं तो मैं जरूर उस फिल्म को देखने जाता हूँ। मुझे तो बहुत सारे कलाकारों के डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली शत्रुघ्न सिन्हा जी का। उनका डायलॉग जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, या फिर राजकुमार जी का न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, या फिर ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार जी का डायलॉग कमाल करते हो भाई, क्या है कमाल करते हो भाई, ना मुन्ना ना, आई लाइक इट। मैं तो छोटी मोटी करता हूँ, आप सही में इन लोगों की डायलॉग देख ले। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, ना मैं शहंशाह, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बन्ना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। ये सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर। कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम मनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। आया मजा ना डायलॉग को देख के। जी हाँ, आप भी डायलॉग्स को देखने जाते हैं, हम भी डायलॉग्स को देखने जाते हैं, बहुत सारे लोग डायलॉग्स को देखने जाते हैं। तो आज मैं जिन कलाकार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो डायलॉग डिलीवरी के शहंशाह थे, डायलॉग डिलीवरी के सरताज थे। उनका नाम मैं आपको बताता हूँ, उनका नाम है सोहराब मोदी। सोहराब मोदी जी का जन्म 2 नवंबर 1897 को हुआ था। जब वो 16 साल के थे यानी कि 1913 में, तब दादा साहब फाल्के ने उस वक्त भारत की पहली फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र, जो कि सोहराब मोदी जी को बहुत पसंद आया और उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि उन्हें कुछ करना है तो फिल्म इंडस्ट्रीज में ही करना है। सोहराब मोदी जी के बड़े भाई ने उन्हें एक प्रोजेक्टर गिफ्ट किया। उसके बाद सोहराब मोदी जी उस प्रोजेक्टर को लेके अलग अलग जगह पे लोगों का मनोरंजन करते रहे, फिल्में दिखाते रहे और अंत में 1935 को सोहराब मोदी जी ने अपनी पहली फिल्म बनाई। 1935 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई, फिल्म का नाम था खून का खून। जी हाँ, खून का खून, जो कि शेक्सपियर जी के नोवेल से प्रभावित था। उस नोवेल का नाम था हेमलेट। हेमलेट से उन्होंने फिल्म खून का खून बनाया। सोहराब मोदी एक ऐसे कलाकार थे जो फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे और हाँ, डायलॉग्स के शहंशाह थे, डायलॉग्स के सरताज थे। सोहराब मोदी जी ने अनगिनत फिल्मों का डायरेक्शन दिया, निर्देशन दिया, जिनमें फिल्म पृथ्वी वल्लभ, फिल्म सिकंदर, फिल्म झांसी की रानी, फिल्म पुकार, बहुत सारी फिल्में थी। अगर हम सोहराब मोदी जी के डायलॉग डिलीवरी पे जाएं तो आप कैसे भूल सकते हैं पृथ्वी वल्लभ के उस फिल्म का दृश्य, जिसमें पूरे राज्यसभा में, पूरे राज दरबार में उन्होंने एक राजा को चैलेंज किया कि मैं तुम्हारे पैर को धो के नहीं पीऊंगा। आप उस डायलॉग्स को देखिए और उनके डायलॉग डिलीवरी को देखिए, क्या अंदाज है, क्या बात है। फिल्म राज, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं और पांव धो, और वो भी उस कार के जिसके हाथ मेरे पांव धो धो कर जीवन भर के लिए गीले हो चुके हैं। फिल्म सिकंदर में पूरे हॉल, पूरे राज्यसभा में सिकंदर की आंखों में आंखें डाल सिकंदर को चैलेंज करते हैं कि भाई तेरे जैसा ओछा राजा मैंने कहीं नहीं देखा। चेहरे पर एक्सप्रेशन देखिए, कमाल का एक्सप्रेशन, कमाल की आवाज, बुलंद आवाज, क्या डायलॉग डिलीवरी। आज देखे हैं और बहुत से महाराजों को जीता भी है, मगर तीर और तलवार की सौगन आप जैसा ओछा और शेखी खुराक तक नहीं देखा। फिल्म यहूदी को याद कीजिए, वो रोमन अदालत, जब वो रोमन अदालत लगा था और उस वक्त जो सोहराब मोदी जी ने डायलॉग दिया था
शायद आज के जनरेशन भी उस डायलॉग को याद रखते हैं, और उस डायलॉग को देख के बहुत सारे लोगों ने कहा था, वाह क्या सीन है। तुम्हारे ही लिए पैदा हुए दुनिया के नजारे, चमकते हैं तुम्हारी रोशनी से चांद और तारे। तुम्हारा गम है गम, औरों का गम खाओ कहानी है। तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है। वाह क्या सीन है। सोहराब मोदी जी ने ज्यादातर ऐतिहासिक फिल्में बनाई, पीरियड फिल्में बनाई, लेकिन हाँ कुछ सोशल फिल्में भी बनाई, जिसमें सबसे अच्छी उनकी फिल्म थी जेलर, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया था। उनकी अभिनय क्षमता को इस फिल्म के बाद से लोगों ने कहा, वाह क्या बात है, क्या एक्टिंग है। पिछड़ते यहाँ कई झूठे भी जीते, कई सच्चे भी हारे, एक सजा ही तो है जिंदगी। एक वाकया है, जब सोहराब मोदी जी की फिल्म शीश महल लगी हुई थी, और उस फिल्म को देखने सोहराब मोदी जी खुद पहुंचे हुए थे, वो थिएटर में ही थे, वो साइड में कहीं बैठे हुए थे। उसी वक्त एक आदमी बिल्कुल अजीब से सिचुएशन में बैठ के, वो बिल्कुल आंखें मूंद के ऐसे बैठे हुआ था, तो सोहराब मोदी जी ने अपने असिस्टेंट को बोला कि जाओ और जाके देखो, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें आप अपने घर तक पहुंचा दो, उन्हें उनके घर तक पहुंचा दो, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं हो, फिल्म देखने आ गए। उनके असिस्टेंट वहां पे गए, उन्होंने उनसे बात की, साथ में सोहराब मोदी जी भी आए, तो उन जनाब का जो आंसर था वो सुन के आप शायद चौंक जाए। उन्होंने कहा था, नहीं मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं अंधा हूं, लेकिन मैं फिल्म देखने आया हूं। वो दोनों आंख से अंधे थे, लेकिन वो फिल्म देखने आए थे। सोहराब मोदी जी ने बोला कि आप फिल्म देखने क्यों आए हैं, तो उनका जवाब था, मैं सिर्फ सोहराब मोदी की आवाज सुनने आया। सोचिए कैसा जलवा रहा होगा सोहराब मोदी जी। ठीक नहीं हो तो उसको टिकट के पैसे वापस दे दो, और अगर और भी पैसे चाहिए तो विक्टोरिया के पैसे दे के इनको घर भेज दो। तो मेरे मैनेजर ने आके मुझसे कहा कि नहीं मोदी साहब, ये कुछ बीमार नहीं है, ये कह रहा है कि मैं अंधा हूँ और मैं सोहराब मोदी की आवाज सुनने आया हूँ। ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर तकरीबन मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोहराब मोदी जी को गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल, जी हाँ राष्ट्रपति का दोनों मेडल उन्हें दिया था, गोल्ड मेडल भी और सिल्वर मेडल भी। सोहराब मोदी जी की दिलकश आवाज को सुनने के लिए सिनेमा हॉल में लाइन लग जाता था, हाउस फुल चलता था, उनकी डायलॉग डिलीवरी को देखने के लिए लोग सिनेमा हॉल में लाइन लगा के रहते थे। एक मजबूत आवाज, एक दमदार आवाज के मालिक थे सोहराब मोदी। खानदानी आन का वो अनमोल खजाना, जिसे एक मजदूर के हाथ में देना हम अपनी जिल्लत समझते थे, उसी दो कौड़ी के मजदूर ने आज उसे लूट लिया। बलराम अब तो तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हुई। 1980 में भारत का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार सोहराब मोदी जी को दिया गया। फिल्म इंडस्ट्रीज के 100 साल पूरे होने पे सोहराब मोदी जी के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। जी हाँ 2013 में उनके नाम पे सरकार ने डाक टिकट जारी किया। 1984 में सोहराब मोदी जी ने हमारा साथ छोड़ा और वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी बनाई गई फिल्में, और अगर उस वक्त उन्होंने उस तरीके की फिल्में ना बनाई होती, ऐतिहासिक फिल्में, पीरियड फिल्में, तो शायद आज फिल्म इंडस्ट्रीज इस मुकाम तक नहीं रहता। उनका योगदान फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए अतुलनीय है, और ऐसे महानायक को हम लोग सैल्यूट करते हैं। तो आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मैं आऊंगा एक नई बात को लेके फिल्मी कंसेप्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।